लगा हुआ पठान, उसमें और बॉक्सों में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इसका है एक काउंटर, और यहाँ से गाइस जितना भी लिस्ट चले जा सकते हैं देख सकते हैं गाइस, जबरदस्त बिल लगा हुआ है। ठीक है गाइस, फिल्म का प्रमोशन हो गया, 1000 करोड़ कमा चुका है पठान। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मोना सिनेमा हॉल और इल्फोस्टोन सिनेमा हॉल दोनों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो लास्ट तक व्लॉग भी बने रहिए। तो यही गाइस वो सिनेमा हॉल देख सकते हैं आप लोग, साइड में यहाँ पर पार्किंग है, इस साइड जाइएगा तो आप लोगों को बार पार्किंग होगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं बाइक के लिए पार्किंग है और उस साइड उधर कार पार्किंग का है। ये देखिए गाइस फिल्म का प्रमोशन हो गया, 1000 करोड़ कमा चुका है पठान, उसी को लेकर यहाँ पर देखिए भाई लोग केक काट रहे हैं, अभी मोना सिनेमा के पास है। दो चक्का गाइस लगाना तो यहाँ पर पार्किंग है, आपको साइड से अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर चार्ज पार करिएगा, 20 रुपीज लगने वाला है। मेरे पीछे गाइस जो था इधर पार्किंग था बाइक वाला का, स्कूटी वालों के लिए, बाकी कार वाला उस साइड आपको पार्क करना है उसका अलग चार्ज है, यहाँ पर आपको 20 रुपीज लगने वाला है। देख सकते हैं बड़ा मूवी रहता है तो गाइस पूरा भीड़ लग जाता है, यहाँ पर लाइन लगा हुआ मूवी के लिए, अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर आगे टिकट काउंटर है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं मूवी कौन सा लगने वाला है, उसका पोस्टर लगा रहता है, अभी लगा हुआ पठान, और यहाँ पर देखिए भोला लगने वाला है, इसका भी दिया हुआ 30 मार्च को, लंबा लाइन देख सकते हैं, भाई से लग गया, बड़ा मूवी रहता है तो भीड़ लग जाता है यहाँ पर, वहाँ पर आपको टिकट काउंटर है, वहाँ पर सब सामने लिखा रहता है। टिकट गाइस आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में आपको कुछ एक्स्ट्रा लग जाएगा, ऐसे ऑफलाइन में सिर्फ 200 लगने वाला है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो अच्छा मूवी रहता है तो ज्यादा हम लोग को भीड़ भाड़ देखने को मिलता है, ऐसे नॉर्मल मूवी एकदम खाली खाली रहता है। यहाँ पर चेकिंग होता है, चेकिंग टिकट के बाद आपको अंदर जाने मिलने वाला है। तो यहाँ पर गाइस देखिए कौन कौन सा मूवी आने वाला है सबके बारे में यहाँ पर लगा रहता है पोस्टर, यहाँ पर देखिए एंटमैन भी लग चुका है, यहाँ पर टिकट चेक करते करते ले आते हैं, ऑनलाइन कटाया तो आपको मोबाइल दिखा के चल जाइएगा, ऐसे ऑफलाइन में आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिफ्ट से भी जा सकते हैं और सामने इधर से ऊपर से स्टेयर से भी जा सकते हैं, तो लिफ्ट का भी यहाँ पर बंदोबस्त है, देखिए लिफ्ट में भीड़ लग गया, लिफ्ट से जाइए फिर पैदल चल गया, ऐसे ही जाइए, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, लिफ्ट से थोड़ा भीड़ भाड़ दिख रहा है ज़्यादा, बड़ा मूवी है तो ज़्यादा भीड़ दिखता है। ये देखिए गाइस इधर से हम लोग आ रहे हैं, स्टेयर से हम लोग को जाना है 3rd फ्लोर पे, ये लीजिए देखिए 2nd पे 3rd पे जाना, वहीं पर दोनों मूवी है, सीढ़ी का इस्तेमाल करें, देखिए यहाँ से हम लोग नीचे से आ रहे हैं। यहाँ पर गाइस दो सिनेमा हॉल है, उधर मोना, इधर इल्फोस्टोन है, हम लोग को मोना में जाना है और इधर दूसरा मूवी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका फूड कोर्ट अलग है और उसका फूड कोर्ट अलग है, भयंकर भीड़ दिख रहा है क्योंकि पठान लगा हुआ है। ये इल्फोस्टोन का सीट है, देखिए ज़्यादा यहाँ बड़ा नहीं है, मोना ज़्यादा बड़ा है, और गाइस मोना सिनेमा हॉल है, इधर इल्फोस्टोन है, यहाँ से देखिए आप लोग गांधी भवन का व्यू दिखने वाला है, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देखिए क्या खूबसूरत सा व्यू हम लोग दिख रहा है, यहाँ से मिल रहा है, देख लीजिए गांधी भवन का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा व्यू मिला है। इल्फोस्टोन में अभी हम मोना में जिसको जाना है वहीं को अलाउ मिलने वाला है, इसमें मेरा टिकट है नहीं तो उसमें मेरे को अलाउ मिलेगा नहीं। तो इल्फोस्टोन के पास गाइस अंदर आइएगा तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए दिखने वाला वॉशरूम, और यहाँ पर मेन के लिए वॉशरूम है, देख लीजिए बाहर यहाँ पाना पड़ेगा, अंदर यहाँ सिनेमा हॉल है, यहीं पर आपको दोनों मिलने वाला है। तो लिफ्ट के गाइस बगल में देखिएगा, देखिए इल्फोस्टोन का पूरा लगा हुआ है कैसा है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोना का, ये देखिए मेरा मोना का, मोना ज़्यादा बड़ा है, इसमें डॉल्बी साउंड भी रहेगा, जबरदस्त भीड़ लगा हुआ है पूरा, अंदर जाने को नहीं मिल रहा, मोना इधर है, अभी तक तो हम लोग इल्फोस्टोन सिनेमा घूम रहे थे, इधर मोना है, जगह नहीं है, लेकिन पूरा फुल हो गया, कहाँ जाके हम लोग मोना सिनेमा है उधर थे, अभी इल्फोस्टोन में यहाँ देख सकते हैं मोना कैंटी होने लगा है, यहाँ पर इसका है फूड काउंटर, जो आप लोग ऑर्डर करना कर सकते हैं, सबका प्राइस ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपीज़ कितना रुपीज़ देख लीजिए, रुक करके आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ का फूड कॉर्नर चिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ वॉशरूम भी है मैन वूमेन के लिए अलग अलग है, देखिए यहाँ पर मैन का है और यहाँ पर वूमेन का, कौन कौन सा मूवी लगा हुआ है, तो चलते गए अंदर, ये देखिए अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर से टिकट मेरे पास है, ये देखिए यहाँ से एंट्री हो रहा है, स्टेयर में एकदम लाइट लगा हुआ है, वो बढ़ जा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए बहुत बढ़िया एकदम नया लग रहा है, आवाज़ भी आप लोग को आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन डॉल्बी साउंड को मिलने वाला मोना सिनेमा में, यहाँ से एंट्री हो रहा है, भीड़ काफी लग चुका है, देख रहे हैं सीट देख लीजिए यहाँ का गाइस, आपको दिखा रहे हैं, वाह वाह वाह, बच्चे आवाज में क्लियर आ रहा है कि नहीं, बाकी आप लोग पूरा हॉल फुल हो चुका है, ओह माय गॉड, यहाँ से एंट्री हो रहा है, सीट काफी कम्फर्टेबल है, नीचे बैठिए ऊपर बैठिए सबका आपको 200 रुपीज लगने वाला है, यहाँ कोई अलग चार्ज नहीं है, आपको बता देते हैं वो दूसरा हॉल है, उसमें एक बात नहीं है, वो भी कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं, रोमन है वो दिखा दे, ज्यादा अंधेरा ही आ रहा था, जैसे रिजेंट सिनेमा हॉल है, बाकी और पटना में दिखा जो हॉल है समय लाइट रहता है, बट यहाँ एकदम अंधेरा रहता है, सेल्फी लेने के लिए आपको थोड़ा
लाइट चाहिए कुछ ज्यादा है, ऐसे लीजिएगा तो काला दम आ जाए। लेकिन यहाँ का डॉल्बी साउंड ज्यादा ही अच्छा मेरे को लगा, रिजेंट सिनेमा है वहाँ से ज्यादा मैं यहाँ का अच्छा डॉल्बी साउंड। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 3D आपको नहीं मिलने वाला, 200 रुपये लग रहा है 3D नहीं। अगर रिजेंट में देखिएगा सिनेमा तो 200 रुपये में आपको 3D देख सकते हैं, बट यहाँ पर 3D है ही नहीं। चलिएगा तो आपको यहाँ थोड़ा वॉशरूम में दिखा देते हैं कैसा है, एकदम क्लीन रखा कि गंदा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ का वॉशरूम में देख लीजिए आप लोग, यहाँ का वॉशरूम है, ये मेन सेक्शन का वॉशरूम है, आपको वॉशरूम में दिखा दिए, काफ़ी क्लीन वॉशरूम है। पॉपकॉर्न का फायदे हैं 100-120 रुपीज़ है, लार्ज का लीजिएगा 80, रेगुलर 50, हर तरह का पॉपकॉर्न है उसके हिसाब से प्राइस है। कारमेल फ्लेवर लीजिएगा तो 100 रुपीज़ लगने वाला है। यहाँ पर देखिएगा फूड कोर्ट के पास बैठने के लिए यहाँ पर बना हुआ चेयर टेबल, यहाँ से आराम लोग बैठ भी सकते हैं कुछ देर के लिए, और यहाँ पर आपका फूड यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, पेटीएम वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, कैश भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ मैं आपको दिखा दिया बैठने के लिए, पोस्टर लग रहा है, फोटो सेल्फी लेने के लिए। जैसे गाइस देखिए कार का पार्किंग है 25 रुपये आपको लगने वाला है, तो अंदर तक पार्किंग आप लोग दे सकते हैं। जब कार का यहीं रहेगा, बाइक का उस साइड है, अब इधर से हम लोग फाइनली निकल रहे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ पार्किंग यहाँ अच्छा से, बाइक का उधर है, कार का इधर है। चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।